वेलकम बैक। और आज हम चेंज करने वाले हैं गाड़ी का व्हील, जो कि पहिया पंचर हो रखा है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये पहिया हो गया पंचर। और ये अब किस तरीके से चेंज करना है वो हम आगे देखते हैं, किस तरीके से इसको चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये पहिया पंचर तो आपने पहले जैक नहीं इंस्टॉल करना है गाड़ी के अंदर, आपने पहले ये चारों बोल्टों को ओपन करना है। ये चारों बोल्ट आपने बिना जैक लगाए ओपन कर लेना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने हैंड ब्रेक खींच देनी है और आगे पीछे पहियों पे कुछ पत्थर लगा देना है, ताकि जब हम पहिए को निकालेंगे तो गाड़ी इधर उधर ना ढक जाए। तो इस तरीके से आपने गुटका लगा देना है और ये आपने पहले लूज़ कर लेने हैं, उसके बाद जैक लगाना है। अगर आप जैक लगा के लूज़ करोगे तो फिर जैक पे प्रेशर नहीं लगा पाओगे, आप खड़े होकर के ताकत नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए पहले जैक लगाने से पहले आपको गाड़ी के ये बोल्ट को ढीले करना है इस तरीके से। देख रहे हैं आप आवाज़ कितनी आ रही है, ये बोल्ट बहुत टाइट है। अगर हम इसको जैक पे ओपन करते तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने लिए इसको ओपन करना। तो इसलिए बिना विदाउट जैक इंस्टॉल किए आपने पहले ये लूज़ कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। चारों बोल्ट हम लूज़ कर लेंगे। अब ये चारों बोल्ट हमने लूज कर लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वो वाला ओपन करो, ये भी हमने लूज कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से आपने लूज। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैक आपने इंस्टॉल किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि आपकी गाड़ी किस जगह पे खड़ी है। अब जैसे ये गाड़ी है जो खड़ी है, ये मिट्टी है, मिट्टी में खड़ी हुई है, तो आप जैक मिट्टी पे ना रखें, क्योंकि अगर गाड़ी के वजन के कारण ये मिट्टी के अंदर दस सकता है। तो इसलिए पहले इसके नीचे इस जगह पे पहले कोई ईंट वगैरह रख लें, ताकि ये जैक नीचे मिट्टी के अंदर ना फंसे, ठीक है। आपने जैक इंस्टॉल किस तरीके से करना है वो आपको मैं बता दूं। पहले आपने ये पत्थर ले लेना है, ये इस तरीके से यहाँ पे रख लेना, ठीक है। और आप एक चीज़ देखना, हर गाड़ी के अंदर ये लाइनिंग होती है, ये कुछ इस तरीके की, ये आप जो देख रहे हैं ये एक लाइनिंग है। और जैक के अंदर भी मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके का गैप बना हुआ है, ये रहा, ये जो गैप बना हुआ है। अब इस गैप के अंदर ये लाइन, इसमें ये फंस जाएगा जैक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, ये जो लाइनिंग है, ये वाली ये लाइन आपने इसके अंदर फंसानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैक को सही तरीके से रख लेना, इधर उधर टेढ़ा ना हो, और आपने इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ ये रॉड फंसा करके इसके अंदर घुमाना है। ठीक है, नीचे भी आप दिखाओ, नीचे देखना आप, गाड़ी के ऊपर अभी लोड आ जाएगा, जैक के ऊपर पूरा लोड आ जाएगा गाड़ी के। ये लोड इसके अंदर आ गया, अब इस तरीके से आपने घुमाना है, इस तरीके से आपने जैक इंस्टॉल करके जैक को ऊंचा कर लेना है, और इतना ऊंचा करना है कि ये पहिया फ्री हो जाए, ये पहिया घूमने लग जाए, इतना आपने जैक को उठा देना है। अब ये पहिया जो है वो जमीन से ऊपर हो चुका है कुछ इस तरीके से, इतना इतना गैप है। अब आपको ये बोल्ट सारे चारों खोल लेने हैं। चारों बोल्ट ओपन करने के बाद पहिए को आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चारों बोल्ट हमने ओपन कर दिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, पहिया इस बीच में यहाँ पे इस वजह से कभी कभी जैम भी हो जाता है, तो आप ये नॉर्मली क्या है देखते हैं, ये निकल आया बाहर। कभी कभी क्या होता है, कुछ पहिए नहीं निकलते, तो इसको निकालने के लिए ना आप आगे ऊपर नीचे थोड़ा सा लेफ्ट राइट पुश करेंगे तो पहिया वो इजीली बाहर आ जाएगा। ये पहिया हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा पहिया किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने व्हील इसमें इंस्टॉल कर देना है कुछ इस तरीके से, चारों बोल्टों में फिक्स्ड अभी बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको बोल्ट से लॉक कर देना है कुछ इस तरीके से, आपने बोल्ट लगा करके इसको कस देना है। बोल्ट सारे चारों लगा दिए,
अभी बोल्ट हमने टाइट नहीं किए हैं, बस ऐसी रेंडमली कस दिए हैं। अब हम जैक को निकालेंगे। जैक को निकालने के बाद फिर इस बोल्ट को, फिर जब इस गाड़ी का वजन इस पहिए पे आ जाएगा, फिर हम इन नट को टाइट करेंगे चारों को। जैक पे टाइट नहीं कर सकते हैं। जैक उतारने के बाद फिर हम इसको बोल्टों को टाइट कर देंगे और पहिया इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हमने जैक यहाँ से निकाल दिया। इस तरीके से आपने बोल्ट को टाइट कर देना चारों को, ठीक है। जैक निकालने के बाद पहिया इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस माई चैनल।